हेलो दोस्तों, कोटा कोचिंग्स के रिव्यू की प्लेलिस्ट में एक कोचिंग और आज एक जुड़ने वाली है। जो कोचिंग बहुत ज़्यादा नई है, ये बहुत पुरानी नहीं है, कोटा की और कोचिंग्स को देखे जो कि मैं रिव्यू पहले कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सारी की सारी पता चल जाए कोटा में क्या लेके जाना है। और ये भी मैंने बता रखा है कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, सब कुछ डिटेल्ड है, तो जाके जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोत्तम जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कोचिंग कैसी है और कब खुली। 2017 में ये कोचिंग खुली। ठीक है, किसने खोली? एलन के एचओडीज ने। मतलब टीचर्स तो अच्छे हैं भाई, फैकल्टी तो बढ़िया मिल गई। अब कैसी कोचिंग से कितने बच्चे, 3,000 के आसपास इसमें बच्चे हैं जो डाटा मेरे को मिला है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तो 1,10,000 रुपये यहाँ की नीट की फ़ीस है और ऐसी ही जेई मेन्स की फ़ीस है। ठीक है, तो आप लोग एक बार वहाँ कॉल करके भी पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर इस फी को भी कम कराना है, तो आप लोग इनका एक एग्ज़ाम होता है प्रकाश नाम का, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। उसके थ्रू आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा। आगे बढ़ते हैं कि इनके पेपर कैसे होते हैं, DPPs कैसे होते हैं, क्या क्या सीन है। तो DPPs और पेपर्स के बारे में बताएं, तो जैसे कोटा के अंदर नॉर्मल, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि भाई नॉर्मल जैसे कि मिलता है आपको, एक समराइज होगा, उसके बाद एक हल्के क्वेश्चंस होंगे, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर थोड़े डिफिकल्ट, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन्हीं का ही एक अलग अलग कॉम्बिनेशन करके सब लोग दे रहे होते हैं आपके। वो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर उठा दिए, अब किसने वो मॉडरेट में डाल दिए, कुछ ने वो प्रीवियस ईयर में डाल दिए, तो यही सब चीज़ें शफलिंग चलती रहती है। किसी की भी ऐसी बिल्कुल अलग से स्पेसिफिक कोई भी मॉड्यूल शीट नहीं होती। ठीक है, जितनी मेरी जानकारी है मैं उस हिसाब से आपको बता पा रहा हूँ। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ कि इन लोगों के यहाँ जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट का जो इनका लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होते। ठीक है जी, आज से हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि इनका क्या ऑनलाइन भी कोई कोर्स है। तो जी हाँ, इनका एक ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जिसकी कीमत जितना मेरे को पता है 11 से 20 हज़ार रुपये के आसपास होती है। ठीक है, आप लोग उसके बारे में भी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। सर्वोत्तम एक अच्छी कोचिंग है। ठीक है, बच्चे को स्ट्रेंथ अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जितना मेरे को रिव्यू मिला है बच्चों ने कहा है एक ठीक कोचिंग है। और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर करके जाएँ, मेरी कोई कमी है उसे भी ज़रूर बताना। इससे आगे बढ़ते हैं, इस कोचिंग में प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इसमें हम एडमिशन लें या ना लें। तो अगर प्रोज की बात करूँ तो एलन के एचओडीज ने कोचिंग खोली है। ठीक है, तो नई कोचिंग है, स्ट्रेंथ कम है तो फोकस ज़्यादा है। ठीक है, सिस्टम नया है, सिस्टम जो है यहाँ का स्मॉल है, छोटा सिस्टम है, छोटा सिस्टम को मेंटेन करना आसान होता है, बड़े सिस्टम को मेंटेन करना मुश्किल होता है। जो बड़ी चीज़ें होती है उसमें लैक भी ज़्यादा होते हैं ना, दिक्कतें भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं बड़ी बड़ी। छोटी कोचिंग्स में फोकस जल्दी हो जाता है, ठीक है, चीज़ें जल्दी काम कर रही होती हैं, तो ये यहाँ पर अच्छा है जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि भाई इसके कॉन्स क्या हैं, तो कॉन्स सबसे बड़ा कॉन्स यही है कि ये एक नई कोचिंग है। भैया अभी तो अच्छा था, बुरा कैसे हो गया भाई? बुरा ऐसे हो गया ना कि सिस्टम नया है, फोकस हो रहा है, लेकिन गलतियां तो सी नंबर ऑफ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रैंक होल्डर इस कोचिंग से अभी नहीं निकले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर टॉप रैंक की सोच के बैठे हैं, तो मैं कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये कोचिंग आपको दिलवा के दे ही देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस कोचिंग को कंसीडर जरूर कर सकते हैं। और बाकी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरे से बात करनी है इंस्टाग्राम पे कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल के रखता हूँ, यूज़ करो यार उसका, है ना। और अगर आपको इसी तरह की कोचिंग वीडियो देखनी है, इस प्लेलिस्ट को चेक करो, मैंने पूरी बना रखी है, एक एक कोचिंग को रिव्यू कर रखा है भाई, जल्दी जाके देख लो, और बच्चे देख चुके हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे इस प्लेलिस्ट में। बाय बाय।